बीजेपी और शिवसेना का कुछ शेयर्ड एजेंडा हमेशा रहा है, जैसे आपने कहा कि पिछले एक साल में जो चीजें आपको अच्छी लगी उसके बारे में भी आपने बात की, 370 का जिक्र आपने किया, राम मंदिर को लेकर आपने बात की है, लेकिन जब सीएए को लेकर चर्चा चल रही थी तो आपके तेवर बड़े तल्ख थे। क्या इस मुद्दे पर पिछले एक साल की ही अगर चीजों को आप समअप कर रहे हैं तो उसमें दिल मिले हुए नहीं थे? सीएए को लेकर आपको, आपकी लाइन राइट की तरफ नहीं जा रही थी? नहीं, ये बात नहीं है, कुछ चीज़ें उसमें है। देखिए, इस मामले में पूरे देश में एक अराजकता जैसी स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन महाराष्ट्र बहुत शांत रहा। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में ये अराजकता की कोई दूर दूर तक भनक तक नहीं पड़ी थी। तो ये बात है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में सभी घटक, सभी जाति, सभी धर्मों को साथ लेकर वो पूरा जो एक काल था वो उसका निर्णय लिया और सबको साथ लेकर हमने वो निर्णय आगे लेकर गया है। देखिए, अभी वो विषय जो है सीए कुछ दिन तक ठंडे बस्ते में डालना चाहिए, इसलिए कि आज का संकट दूसरा है, उससे लड़ना चाहिए। और लोग भूल भी चुके हैं, ये राजनीति की ये जो कानून बना है नॉर्थ ईस्ट में, असम में, पश्चिम बंगाल, इस राज्य तक ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं उस राज्य में ये कानून कोई मायने नहीं रखता। कुछ लोगों का ये कहना होता है संजय जी, खासकर सोशल मीडिया पर आप पढ़ते भी रहते होंगे अपने कमेंट्स में, कि संजय राउत पहले जितना मुखर थे उतना अब नहीं रह गए हैं, और लोग कह रहे हैं कि कभी कभी जो वो बोलने की कोशिश करते हैं इसी कारण अब एडिटर से प्रमोट कर दिया गया है और कलम धीरे धीरे उनसे सामना की खींची जा रही है। ऐसा नहीं है, देखिए एक मिशन होता है, एक टास्क होता है, जब वो टास्क पूरा हो गया है तब पूरे दिन बातचीत करने से या जोर शोर से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप कलम की बात करें तो हमेशा मेरा संबंध सामना से रहा, 30 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, और आपको मैं बताना भी चाहता हूँ, वैसे तो मैं सामना से रिटायर भी हो चुका हूँ, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ, और कभी ना कभी आदमी को रिटायर होना चाहिए, लेकिन सामना के साथ मेरा एक इमोशनल रिश्ता है, हमेशा मैं काम करते आया हूँ, मेरी पहचान ही सामना है, और जब तक मैं लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, मैं सामने में ही काम करते रहूँगा, आज भी सामने ही बैठा हूँ, मेरी कलम कोई खींच नहीं सकता, वही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मेरी और शिवसेना की। इसीलिए तो मैंने बाला साहब जी के साथ 25 साल 30 साल निकाले, उद्धव जी के साथ काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जब उम्र होती है, अब मेरी 60 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी है समझ लो, तो कभी ना कभी तो ये अपने आप को रोकना चाहिए, और नए लोग आते हैं उनके साथ काम करने में ज़्यादा उसको मदद करना चाहिए ऐसे लोगों को, मैं करता हूँ। जर्नलिज्म तो मेरा आत्मा है, मेरी कलम मेरी आत्मा है, और सामना खास संजय राउत जो कि एक नॉर्मल टीवी बाइट देते हुए भी कम से कम 3-4 शेर पढ़ जाते हैं, आज इतनी लंबी बातचीत में भी बहुत संभल कर बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, मैं संभल के नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैंने कहा ना कि ये जो समय चल रहा है ये संभल कर चलने का समय है सब देश के लिए। देखो चाइना बॉर्डर में क्या हो रहा है, पूरा देश किस संकट से जूझ रहा है। अब आने वाले 2-4 महीनों में मुझे लगता है जो बेरोजगार लोग हुए हैं, 10-12 करोड़ बेरोजगार आप मुझे दिख रहे हैं, जो माइग्रेंट्स मजदूर गए हैं, प्रवासी मजदूर हैं, अपने अपने गाँव पहुँचे हैं, अगर उनको 1 महीने के बाद खाना पीना अनाज रोजगार नहीं मिला तो मुझे लगता है इस सड़क पर क्या होगा, जिस प्रकार की अराजकता फैलेगी। तो ये राजनीति या जोर शोर से बोलने की बात नहीं है, संयम से काम करने के लिए हमको आप बैठना पड़ेगा सबके साथ, और राजनीति करने के लिए पूरा समय पड़ा है, लेकिन आने वाले 2 साल में हमको सब राजनीति भूल कर, गिले शिकवे भूल कर, दूसरे के साथ देश के लिए काम करना, तो इसलिए मैं थोड़ा संयम रखता हूँ, और हम सब जब बैठते हैं, पार्टी हो सरकार हो, तब हमारे हम यही बात करते हैं कि आगे क्या करें।